हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ना, टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आज मैंने आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ के साथ। हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेशन वाइज टॉपिक ले रहे हैं, इस टॉपिक में हमने लिया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स, कैसे बनाते हैं, उनके मेथड भी आपको बताए, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यानी कि आज ऐसा करते हैं कि हम आपसे डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की। फिर हम हेलो एरिन्स की ही फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और हेलो एरिन्स की ही केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा है आज का, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ये प्रॉपर्टीज होती क्या है? जो हेलो एल्केन्स है, प्योर हेलो एल्केन्स, पहली प्रॉपर्टी समझें आप, जो प्योर हेलो एल्केन्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी इनमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन ब्रोमो एल्केन्स और आयडो एल्केन्स अगर एक्सपोज कर दिए जाए सनलाइट में तो ये कलर्ड हो जाते हैं, ये कलर को ऑब्टेंड कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने क्या आ चुकी है? पहली प्रॉपर्टी आ चुकी है कि कलरलेस होते हैं, प्योर हेलो एल्केन्स कलरलेस होते हैं, लेकिन आयडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन इनके कलर आ जाते हैं व्हेन दे एक्सपोज टू लाइट, जब ये लाइट के कॉन्टेक्ट में आते हैं। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। अगर हम लोग ये बात करें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे, घटता कैसे है, तो आप देखेंगे कि मॉलिकुलर मास, जैसे हमने लिया यहां पर RCl, यहां लिया RBr, यहां लिया हमने RI, तो मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मॉलिकुलर मास जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ते चले जाएंगे, और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांग बॉन्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अगर हम बात कर लें, यहां पर सपोज कर लेते हैं CH3F ले लिया, यहां पर CH3Cl ले लिया, यहां CH3Br ले लिया, यहां CH3I ले लिया, इन सबके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, लगातार कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर Cl है, Br है, I, तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ रहा है। F का साइज छोटा होता है, Cl का साइज बड़ा होता है, Br का और बड़ा होता है, I का और बड़ा होता है, तो साइज बढ़ने के साथ साथ इनका मॉलिकुलर मास ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, मॉलिकुलर मास ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने यहां CH3Cl लिया, यहां CH3CH2Cl लिया, यहां CH3CH2CH2Cl लिया, तब भी मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा। अब अगर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड है, अब आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है, जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो वो कहलाते हैं आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। तो आइसोमेरिक में एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, CH3CH2CH2CH2Cl, ये मैंने N नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन ले लिया, यानी कि यहां अगर आप बोले तो ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा इसको लिखा जा सकता है CH3CH, यहां CH3, यहां पर CH2, यहां Cl, और एक ऐसे लिख सकते हैं CH3, ऐसे लिखा जा सकता है, और एक ऐसे
CH3 और आपका यहाँ पर लगा देते हैं Cl और यहाँ लगा देते हैं CH2 CH3। एक तरीका ये हो गया। और नेक्स्ट एक तरीका और हो सकता है CH3 C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर Cl। ये मैंने आपको लिखने का पैटर्न बता दिया, लिखने का तरीका बता दिया। ब्रांचिंग यहाँ इसको ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर Cl लगा लीजिए, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, यहाँ Cl, मैंने इसको इधर और इसको इधर लिख दिया है आसानी करने के लिए। अब आप देखते हैं कि आइसोमेरिक जो एल्काइल हैलाइड हैं, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड में जितनी ब्रांचिंग होती चली जाएगी, ब्रांचिंग होने के साथ साथ क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन इन द आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, जितने भी आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो ब्रांचिंग होती चली जा रही है, और ब्रांचिंग होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। क्यों घट रहा है, रीजन भी आपको बता देता हूं। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल हो जाएगी, और स्फीयर का सरफेस एरिया आप जानते हैं कम होता है। स्फीयर का जब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा कि ये स्फीयर, एक स्फीयर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, वीक वैंडर वाल फोर्सेज जाएंगे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल आसानी से सेपरेट होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। ये मैंने बात की हेलो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की। और अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये घुलेंगे कैसे, सॉल्युबल कैसे होते हैं, तो आप जानते हैं कि इनकी ये वाटर में वैसे तो घुलने चाहिए, लेकिन जनरली ये इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? जबकि ये पोलर हैं, यानी कि एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बाद भी पानी में नहीं घुलते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, पहली कंडीशन। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना क्यों नहीं पाते हैं? वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कि आर एक्स मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है, आपस में जुड़े हैं आर एक्स, ये सब आपस में जुड़े हैं, ये वाटर है। बड़ा हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, आप समझ जाएंगे। बहुत टिपिकल पॉइंट है ये, एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िएगा, बड़ा दिक्कत से समझ में आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी समझा दूँ। तो ये इंसॉल्युबल है, क्यों इंसॉल्युबल है, क्योंकि इनको तोड़ना है, ध्यान दीजिए, इनके बॉन्ड को तोड़ना है, और इनके बॉन्ड को तोड़ना है फिर इनका बॉन्ड सेटअप करना, यानी ये इससे बॉन्ड बनाए, ये इससे बनाए, ये इससे बनाए। तो क्या होता है, जो इनके बीच बॉन्ड बनेगा उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो इसके बॉन्ड और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अपना नया बॉन्ड सेटअप कर ले, यानी एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को तोड़ के अलग करना और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अलग करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और उतनी एनर्जी ये दोनों मॉलिक्यूल रिलीज नहीं कर रहे हैं आपस में बॉन्ड बनाने के बाद भी, इसीलिए ये नहीं घुलता है। फिर से समझ लीजिए इस बात को, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि अगर इनके बीच बॉन्ड बना तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इतनी नहीं है कि एल्काइल हैलाइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ दें और हाइड्रोजन बॉन्ड के वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दें और नया बॉन्ड सेटअप कर लें। तो एक तो बात ये हो जाती है। अब आप ये जान लें कि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो सिंपल है कि RCl ले लें, RBr ले लें और RI ले लें, RI ऐसे करके, तो ये डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। डेंसिटी बढ़ने के पीछे रीजन सेम है कि मॉलिकुलर मास बढ़ता चला जाएगा तो डेंसिटी भी इनकी बढ़ती चली जाएगी। ये है इनके मेन पॉइंट्स। तो ये थी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्काइल हैलाइड्स की। अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइल हैलाइड की, उसी हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा है अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। क्या कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं एल्काइल हैलाइड? सबसे पहले जो रिएक्शन शो करते हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आए और न्यूक्लियोफाइल आने के बाद वो सब्स्टिट्यूट कर दे किसी दूसरे
एटम या ग्रुप को जो खुद में भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अब यहां पर हम लोग सबसे पहली रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अब रिएक्शन है हमारी एक्वस रिएक्शन विद, ए में चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं, तो रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, इससे पढ़ लेते हैं। ये एक्वस होना चाहिए, यानी एक्वस होगा तो क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए RX लिया और आपने KOH लिया और ये KOH एक्वस है, तो यहां से KX रिलीज करा दीजिए, यानी एल्कोहल बन जाता है और KX रिलीज हो जाता है। अब अगर R की जगह पे CH3 रख लीजिए और X की जगह पे CLBRI कुछ भी रखिए, तो यहां पर CH3OH बन जाएगा, वहां KCl KBr KI निकल जाएगा, लेकिन F मत लीजिएगा क्योंकि फ्लोरो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो रिएक्शन जल्दी नहीं करते, हाईली रिएक्टिव नेचर में होते, इसलिए F ना रखिएगा। रिएक्शन विद एक्वस KOH सॉल्यूशन से हमने करा के दिखाई आपको। अब हम दूसरी रिएक्शन आपको दिखाते हैं, रिएक्शन विद यहां एक्वस KOH की रिएक्शन में एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर यहां पर SN1 और SN2 रिएक्शन की भी बात आती है तो ये न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो शो करते हैं। ये रिएक्शंस मैंने SN1 SN2 के नाम से एक वीडियो में नीचे बना करके आपको समझा रखी मैकेनिज्म के साथ, तो SN1 और SN2 रिएक्शन आप उसी वीडियो से पढ़िएगा, और जब तक हम इस टॉपिक को भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दूसरी रिएक्शन इसमें हो जाती है, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही रहिएगा। अब इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद KCN भी पढ़ लेते हैं, यानी KCN से रिएक्शन करने पर क्या होगा, RX और KCN जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन से यहाँ पर KX निकल जाएगा और प्रोडक्ट हो जाएगा RCN और यहाँ निकल जाता है आपका KX। तो अब अगर R की जगह पे CH3 लेंगे तो CH3CN बन जाएगा, और ये रिएक्शन में एक खास बात आपको जरूर दिख रही होगी कि कार्बन का नंबर बढ़ रहा है रिएक्शन में, कार्बन चेन अगर आपको बढ़ानी है तो बड़ा अच्छा मेथड माना जाता है, यानी RX की रिएक्शन KCN से करा दीजिए तो कार्बन का नंबर कार्बन की चेन में इंक्रीज कर जाता है। देखिए एक कार्बन एल्काइल में होगा, एक ऑटोमेटिक आ चुका है, तो कार्बन का नंबर भी इंक्रीज होता है। दूसरी तीसरी रिएक्शन हम देख लेते हैं, रिएक्शन विद AgCN देखते हैं। ये दोनों रिएक्शन मैं हमेशा साथ में ही पढ़ाता हूं, रीजन भी आपको भी समझाऊंगा। RX लिया, AgCN से रिएक्शन किया, अब लेकिन यहां पर RNC बनता है, ये RNC और यहां AgX निकलेगा। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि एल्काइल हैलाइड जब KCN से रिएक्शन करते हैं तो RCN बनाते हैं, यानी कि साइनाइड बनाते हैं, और जब रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड AgCN से रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप KCN को देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने KCN को लिया तो KCN जो है वो आयनिक नेचर में है, यानी K पॉजिटिव में टूटेगा और CN नेगेटिव में टूटेगा, ये आयनिक है, और CN जो है CN नेगेटिव एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एम्बीडेंटेट। आप जानते हैं मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया है कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, ये दो अटैकिंग साइट रखता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आयनिक नेचर होने की वजह से कार्बन साइट इसकी फ्री है, तो ये अटैक कर देता है कार्बन साइट से और बना देता है क्या, RCN। लेकिन AgCN को अगर आप बच्चों देखो तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तीन बॉन्ड होंगे यहाँ पर AgCN में, तीन बॉन्ड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से कार्बन फ्री नहीं है, नाइट्रोजन साइट फ्री है, तो नाइट्रोजन साइट से अटैक कर जाता है और ये NC बना लेता है। तो रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रीजन है इसका, तो आप आसानी से बताएंगे कि KCN आयनिक होने की वजह से CN में कार्बन साइट फ्री है और ये अटैक करता है कार्बन के साइट से, बना देता है RCN, जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें कार्बन फ्री नहीं है, तो नाइट्रोजन साइट से अटैक करके NC बना लेता है क्योंकि ये कोवेलेंट है और ये आयनिक नेचर में है KCN। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये हमने पढ़ी रिएक्शन विद AgCN और KCN से। अब इसी कंटिन्यूएशन में ही हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विद AgNO2 एंड KNO2, रिएक्शन विद AgNO2 एंड KNO2, दोनों एक साथ में ही यहां भी पढ़ते हैं। KNO2 को KONO भी लिखा जाता है,
और KNO2 भी लिखा जाता है, दोनों बातें हैं। अब यहाँ देखिए RX लिया हमने, सिंपल है, RX लिया और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से कराते हैं तो AgNO2 से रिएक्शन कराने पर RNO2 मिलेगा और AgX मिल जाएगा। और अगर NO2 को ओपन करके लिखना चाहे तो AgNO2 ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अगर RX की रिएक्शन KNO2 से कराएं तो अब KNO को ऐसे लिखा जाता है और प्रोडक्ट बनेगा RON(O) और KX। इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, इसे एल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं। तो नाइट्राइट क्यों बनाता है, क्योंकि ये भी कैसा कंपाउंड है, यहाँ पर आयनिक नेचर देखेगा, यहाँ कोवेलेंट नेचर देखेगा, यहाँ अटैकिंग साइट नाइट्रोजन है, यहाँ अटैकिंग साइट ऑक्सीजन है, तो सेम रीजन जो मैंने CN वाले में बताया वही रीजन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने मैंने देखी KCN और AgCN, KNO2 और AgNO2 से। अब आप देखिएगा रिएक्शन विद अमोनिया, इसको हाफमेंस अमोनोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है रिएक्शन को। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, अगर RX की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं, NH3 से कराते हैं, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, RNH2 बनता है, RNH2 और एक H यहां से लीजिए, एक X यहां से, HX उड़ा दीजिए। अब यहाँ पर फिर दोबारा अगर RX से रिएक्शन करेंगे, फिर एक HX हटा दीजिए और यहाँ से फिर R2NH बन जाएगा, 2 डिग्री का एमीन, ये 1 डिग्री एमीन बना, ये 2 डिग्री एमीन बना, और फिर इसकी RX से रिएक्शन करा दीजिए, फिर एक HX निकल जाएगा, R3N बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री एमीन। लेकिन अगर इसकी फिर रिएक्शन करा दें आप RX से, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाता है। अब अगर यहाँ पर CH3 ले लेते हैं तो CH3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ थ्राइस हो जाएगा, वहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से इस रिएक्शन को नाम दिया गया है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, ध्यान रखिएगा। तो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं NaHS से, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे आपने H2S सुना हो, H2S जब सुना हो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर इसे हम लोग ऐसे लिखें K है ना SH, तो यहाँ पर हमने एक H को K से रिप्लेस कर दिया है, तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की करा लेते हैं तो RX प्लस KSH, तो यहाँ से KX निकाल दीजिएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RSH। अगर ये ROH होता तो ये एल्कोहल कहलाता, लेकिन SH हो गया तो ये थायो एल्कोहल कहलाएगा, तो ये कहलाता है आपको थायो एल्कोहल। क्या कहलाता है बेटा, थायो एल्कोहल कहलाता है। अगर यहाँ पर CH3 होगा तो मिथाइल थायो एल्कोहल, और अगर C2H5 होगा तो इथाइल थायो एल्कोहल कहलाता है। तो एक रिएक्शन ये आपकी हो गई। और अगर इसी तरीके से मान लीजिए आपने रिएक्शन करा दी, सपोज कर लेते हैं रिएक्शन करा दी, रिएक्शन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विद NaOR। अगर इसकी रिएक्शन NaOR या R- से करा लेते हैं, R भी ले सकते हैं, R- भी ले सकते हैं, तो NaOR हो गया, तो यहाँ से NaX निकाल दीजिएगा, तो प्रोडक्ट आपके सामने ईथर आ जाएगा, ROR- और NaX यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हुई जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और ये रिएक्शन जुड़ी हुई है किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन और आपको पढ़ाते हैं, यानी अगर हमने RX लिया और इसकी रिएक्शन RCOOAG से करा दी, यानी सिल्वर सॉल्ट ले लिया, तो यहाँ से X और AG निकल जाएगा, बनेगा RCOOR, मतलब एस्टर भी बनाना चाहें, ये सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, यहाँ से AG एक्स निकल जाएगा। तो एस्टर भी बनाना चाहे तो एस्टर भी इससे बन जाएंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, इनको आप बार बार लिख करके रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हुई मेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, एल्काइल हैलाइड। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा इसका, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन आप जानते, नाम बता रहा है एलिमिनेट करना,
किसी चीज को निकाल देना, रिमूव कर देना, इसे हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हैलोजन भी रिमूव होगा, इसलिए नाम दे दिया गया इसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती क्या है, क्या होती है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हैलोजन एटम भी रिमूव हो जाए और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हैलोजन एटम के साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाना चाहिए, वो कहलाती है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब इसे बीटा क्यों बोला गया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर H लिया, यहाँ पर H लिया, यहाँ H लिया, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ BR लगा लिया, तो ये अल्फा पोजिशन है, ये बीटा पोजिशन। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को अल्फा, फंक्शनल ग्रुप को जीरो, फिर अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। अगर इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देते हैं, कैसा KOH होना चाहिए बेटा, एल्कोहलिक। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एल्कोहलिक KOH है तो हमेशा एल्कीन बनेगा, एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बनेगा, लेकिन जब एक्वस KOH होगा तो एल्कोहल बनेगा। यानी कि अगर हम लोग एक्वस KOH लेंगे तो प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा, और जब एल्कोहलिक KOH लेंगे तो फिर एल्कोहल नहीं बनने वाला, मतलब एल्कीन बनेगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से KBr रिलीज कर देना, ये OH यहाँ से H को उठा करके ले जाएगा, प्रोडक्ट आपके सामने रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन बन जाएंगे, और यहाँ KBr रिलीज होगा और साथ में रिलीज होगा वाटर। इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि ये बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और इसलिए इसका नाम रखा गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में ही आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए CH3 सपोज कर लेते हैं, ये वाला एक प्रोडक्ट है CH3 3 डिग्री का ले लेता हूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन वो ना रह जाए। यहां BR लिया, अब यहां पर एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो ये KBr जाएगा OH, ये अल्फा, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा, ये सब बीटा ही हो जाएंगे, ये सब बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो किसी भी बीटा से हाइड्रोजन उठाइएगा, तब मान लेते हैं यहाँ से उठा लिया हमने, जैसे यहाँ से उठाया तो कंपाउंड बनेगा CH3 और यहाँ नीचे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से KBr निकलेगा और वाटर निकल जाएगा H2। इस तरीके से यानी एल्कोहलिक KOH कहीं पर भी लिखा है, इथेनॉलिक KOH लिखा है, जैसे कभी कभी एल्कोहल ना लिख करके यहाँ इथेनॉलिक भी लिख देते हैं तब भी वही बात हो जाएगी, एल्कोहलिक KOH से ही रिएक्शन करानी है आपको। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में एक रूल होता है जिसका नाम है सेटजेफ रूल। क्या नाम बेटा, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। ये सेटजेफ रूल कहता क्या है, क्या है सेटजेफ रूल, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। तो इन रिएक्शंस को आप लिखते रहिए, समझते रहिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे इसे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने से आती है, रटने से नहीं आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अब मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH, यहाँ CL लगा लिया या BR लगा लेते हैं, यहाँ CH3 लगाया, अब इसकी मैंने एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दी। जैसे एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो अगर ये अल्फा है तो बीटा पोजीशन ये भी पॉसिबल है, बीटा पोजीशन ये भी पॉसिबल है। तो अब यहाँ से KCl तो रिलीज होगा, मैंने यहाँ माइनस करके लिख दिया KCl। ये OH अगर H यहाँ से लेता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, अगर ये OH H यहाँ से उठाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो हम दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब आप देख रहे हैं कि एक बना ब्यूट टू इन बना है, ब्यूट टू इन बना है, और एक बना है ब्यूट वन इन बना है। अब यहाँ पर ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन में ये लगभग 80% होगा, अंदाज है मेरा 80% 79% भी कुछ किताबें लिखती हैं, जब ये 80 होगा तो ये ऑटोमेटिक 20% रह जाएगा, ये 79 होगा 21% रह जाएगा, वो इट इज़ नॉट ए मैटर। ये मोर बनता है, हमें याद रखना, ये मोर बनता है और ये लेस बनता है। तो ये रूल फिर क्या कहता है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जब किसी एल्काइल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो वो एल्कीन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है। यानी अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड दैट द प्रोडक्ट दैट एल्कीन इज प्रिफर्ड
वो एल्किन ज़्यादा, दैट एल्किन इज प्रिफर्ड विच इज मोर एल्काइलेटेड, यानी कि वो एल्किन ज़्यादा बनती है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है, वो एल्किन ज़्यादा प्रेफर की जाएगी। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो यही माना जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं माना जाता। कॉम्पिटिशन में अगर पूछा जाए कि ऐसा कोई कंपाउंड है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंसर बेटा यही आना चाहिए, यही आंसर आप लोग लिखेंगे, ब्यूटोइन वाला। यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देख लीजिएगा कि कार्बन का नंबर अगर ज़्यादा तो उसी को आप प्रेफरेंस देंगे, दूसरे को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये कहलाता है सेट जेफ रूल। इसी के साथ अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड तो क्या बनता है, तो यहाँ पर सी जो पार्ट हो जाएगा वो पार्ट हो जाएगा रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर सबसे पहले हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करा लेते हैं, यानी कि सोडियम मेटल से जब रिएक्शन होती है तो आपको याद होना चाहिए वुड्स रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन किए तो यहाँ पर 2NaX निकल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। ये रिएक्शन में कार्बन का चेन डबल करने की पावर है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर CH3Cl लिया हुआ है तो CH3Cl प्लस 2Na आपने लिखा है और यहाँ पर ClCH3 लिखा है, तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा प्लस 2NaCl। इसी तरीके से आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, मान लेते हैं ये कंपाउंड हमने ले लिया CH3 यानी 2-chloropropane ले लिया, सपोज कर लेते हैं, तो 2-chloropropane की रिएक्शन भी अगर आपने सोडियम से कराई तो फिर जस्ट इसका नंबर, यानी कि इसको भी उल्टा लिखें, जो लिखने का तरीका है इसको भी आप समझने की कोशिश करें, यानी कि CH यहाँ लिखा, CH3 यहाँ लिखा, CH3 यहाँ लिखा, यहाँ से पकड़ा ये 2NaCl यहाँ से निकाल लिया, प्रोडक्ट जो हमारे सामने आएगा वो CH3CH, ऊपर CH3 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 और 2NaCl यहाँ से रिलीज। तो आपको मैंने तरीका बता दिया, बीच में सोडियम को बिठा लिए, दोनों तरफ एल्काइल हैलाइड लगाइए और बीच से 2NaCl 2NaBr जो समझ में आए वो निकाल दीजिए, प्रोडक्ट आपके सामने होगा। तो अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, थर्ड नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद Li, यानी लिथियम मेटल से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी RX यहाँ पर ले लिया, 2Li ले लिए हमने और प्रोडक्ट बना दिया RLi प्लस LiX, यानी कि लिथियम एल्काइल लिथियम बन सकता है, इथाइल लिथियम बन सकता है, यानी CH3Br ले सकते हैं यहाँ पर, तो CH3Li बन जाएगा। इस तरीके से लिथियम मेटल से भी रिएक्शन करा सकते हैं। एक रिएक्शन जो मैंने रोक रखी है वो आपको कन्वर्जन में बहुत मदद करेगी, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन विद सेपरेट रिएक्शन है, बिल्कुल रिएक्शन विद CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसका नाम है सोडियम एसिटलाइड है, एसिटिलीन का सोडियम सॉल्ट है, तो इसे सोडियम एसिटलाइड बोलते हैं। और सोडियम एसिटलाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो RX प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से NaX निकल जाएगा, बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा आपका NaX। ये रिएक्शन आपने जो यहाँ पर पढ़ी है, ये रिएक्शन का सबसे खास बात है कि अगर एल्काइल हैलाइड से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़े तो ये रिएक्शन आपको उस समय इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये मैंने आपको जितनी भी रिएक्शंस बताई हैं, ये रिएक्शन सभी एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल मैंने आपको दोनों बताई, दोनों प्रैक्टिस करिए लिख करके, केमिस्ट्री लिखने से आएगी, केमिस्ट्री रटने से नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है इट इज़ हाईली वोलेटाइल इन नेचर, जितनी जल्दी याद होती है उतनी जल्दी ही वो ऑपरेट हो जाती है, तो इसलिए इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपके माइंड में रुक जाएगी, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा। एक रिएक्शन को 4 से 5 बार लिखिए, आराम से समझ में आएगी। और एक बात याद रख लेना कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ने बैठे तो बार बार जितना लिख सकते हैं, लिखने के बाद जब यहाँ निशान आने लगे ना आपके, तो समझ लेना केमिस्ट्री आने लगी है। यानी जब आप इतनी रफ कॉपी भरिए बार बार लिखिए कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा भी ये कहने लगे कि बेटा आजकल बहुत केमिस्ट्री की बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत रफ कॉपियाँ भर रहे हो, क्या बात है इतनी रफ कॉपी कैसे भर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि केमिस्ट्री आने लगी है। तो केमिस्ट्री का सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप जितना लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना लिख करके प्रैक्टिस करिए, और
इस चैप्टर को अच्छे से घर पर बैठ के तैयार करिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। मैं आपको उसमें बताऊंगा हैलोएरीन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और रफ कॉपियों को भर के अपने मम्मी पापा को थोड़ा परेशान करते रहिए। थैंक यू।